so hello everyone welcome to my channel commerce news आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमें यहाँ पे यूजेस बताने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी पूछी है इंपॉर्टेंस के लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जो इसके नेक्स्ट होगी उसमें क्या है हम डिटेल में इंपॉर्टेंस को देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बट यहाँ पर अभी फिलहाल हम सिर्फ यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं आपको पता है कि हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर क्या है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है चैप्टर वन हमने ऑलरेडी कर लिया है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकंड चैप्टर ये हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपको एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं ठीक है और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट क्वेश्चन भी इसका हमने कर लिया है ये सेकेंड क्वेश्चन की बारी है अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी तो चैनल पे आप जा सकते हैं वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सेव कर लेना और लाइन टू लाइन सारी की सारी देख लेना और फर्स्ट वीडियो सिलेबस डिस्कशन की है तो वो आपको देखनी है क्योंकि उसमें हमने बताया हुआ है कि कौन से प्रैक्टिकल और कौन से थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पढ़ना कैसे है ठीक है और जो टेलीग्राम का लिंक होता है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स एंड जो प्ले लिस्ट होगी इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से डायरेक्टली आपको वो प्ले मिल जाएगी ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक करना है और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम सिर्फ यूजेस देखेंगे और इंपॉर्टेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी ओके सो क्या क्या बोल रहे हैं कि आप यूजेस बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है ना तो उसके यूज़ क्या है आगे क्यों मतलब उसको अब वो बना रही है तो दैट मींस उनको कुछ तो बेनिफिट होगा है ना उनको होगा बाहर वालों को भी होगा तो उसके यूजेस क्या होते हैं तो सबसे पहले बोल रहे हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना जब आप बनाते हो ना तो ये बेसिकली क्या शो करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है है ना तो बिजनेस को अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है फाइनेंशियल पोजिशन जाननी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो बनाता है और एज वेल एज बाहर वालों को भी क्या है? पता लग जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है सो so दैट कि वो क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन इजीली ले सके, ओके okay. सेकंड है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू असेस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसको बनाते हो तो वो क्यों बना रहे हो प्रॉफिट को असरटेन uh, करने के लिए प्रॉफिट को जानने के लिए तो उससे हमें यह क्या है हम uh, वो कर सकते हैं जान सकते हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन रही है तो अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी को फाइंड आउट करना है ठीक है तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो थर्ड है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर तो जो फाइनेंशियल इनफॉर्मेशन है ना ये ना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देती है शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स हो गए इन्वेस्टर्स हो गए इन सबको क्या इफॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनी के बारे में तो कहाँ से मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है ठीक है शेयर होल्डर को इनफॉर्मेशन मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ विच और उस बेसिस पे क्या है जो शेयर होल्डर है वो डिसाइड करते हैं कि आपको उनको मतलब जो शेयर है होल्ड करके रखने चाहिए कि सेल कर देने चाहिए ठीक है तो इसका डिसीज़न लेते हैं जब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको इन्फॉर्मेशन देती है फोर्थ पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एडिक्वेट इनफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी इनफॉर्मेशन होती है जो क्या है मैनेजमेंट यूज करता है आगे प्लानिंग के लिए कंट्रोलिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बताता है ये एक बेस होता है जिसके बेसिस पे हम क्या है डिटरमाइन कर सकते हैं जान सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमें पे करना है शेयर होल्डर्स को ओके सिक्स्थ पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा ऑप्टेन करने के लिए लोन अगर उनको लोन चाहिए तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करती है वहाँ पे दिखाती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जो बैलेंस शीट में होती है उनकी ठीक है तो बैंक्स को दिखाती है वो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिखाती है वो सेवन्थ पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेश्स टू द प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को भी सो दैट की वो क्या डिसीजन ले सके कि उनको इन्वेस्ट करना है कंपनी की सिक्योरिटीज़ में या नहीं करना है तो ये हमने कुछ यूजेस पढ़े जो कि हमने सेवन यूजेज पढ़े आप इनका सबसे पहले ब्लैक पॉइंट्स का डायग्राम बना सकते हो ठीक है कि ये शो करती है प्रॉफिटबिलिटी और पोजिशन ठीक है टैक्स लाइबिलिटी को डिटर्माइन करने में हेल्प करती है ठीक है और शेयर होल्डर की हेल्प करती है डिसीजन लेने में ये पॉइंट बना सकते हो फिर प्लानिंग और कंट्रोलिंग में हेल्प करती है परसेंटेज और डिविडेंड को जानने में हेल्प करती है लोन को ऑप्टेन करने में हेल्प करती है और लास्ट वाले पॉइंट में आप लिख सकते हो कि इन्वेस्टर को हेल्प करती है और उसके बाद फिर उनके अंदर ये आप लिख सकते हो डायग्राम बना देना और ये लिख देना अगर ये फाइव मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है तो आपका अच्छे से हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो होप आपको इस क्वेश्चन को आंसर समझ आया हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू